खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट अब थमती दिखाई दे रही है। दरअसल बीते दिनों की लगातार गिरावट और मंदी के दौर को खाद्य तेल बाजार अब लांघकर तेजी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन खाद्य तेलों के बाजार में दामों में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही थी। दरअसल मलेशिया के वायदा बाजार KLC में क्रूड पाम ऑयल के दाम 3 महीनों के सौदों में ऊंचे बने हुए हैं। वहीं दिसंबर और जनवरी के सौदों में भी उछाल देखने को मिला। उधर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोट में भी सोयाबीन नवंबर सौदे 3% तक बढ़कर $1,373 पर पहुंच गए, जबकि सोयाबीन तेल के सौदों में दिसंबर और जनवरी में 0.5% से भी कम तेजी देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार ने खाद्य तेल का आयात शुल्क कम करने के बाद से खाद्य तेल के दाम 1 किलो के भाव 5 से 6 रुपए कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, परंतु दिवाली के अवसर पर खाद्य तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से खाद्य तेलों के दाम में 1 किलो के पीछे 5 से 6 रुपए की तेजी आ चुकी है। दरअसल यह दाम दिवाली तक ऐसे ही बढ़ने की संभावना व्यापारिक मानकर चल रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध और इंडोनेशिया से पाम तेल की आयात के चलते नए वर्ष की शुरुआत में खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की आयात पर होने वाले शुल्क में कटौती की, परिणाम स्वरूप दाम कुछ हद तक कम हो गए, परंतु अब खाद्य तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दशहरा दिवाली में दरअसल खाद्य तेलों की मांग बढ़ जाती है। आगामी माह तक ऐसी ही स्थिति कायम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। त्योहारी उत्सव के अवसर पर कई तेल उत्पादक कंपनियों ने नफाखोरी की दृष्टि से दाम भी बढ़ाए हैं, इसीलिए आयात शुल्क को कम किया गया है। फिर भी तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही ईंधन पर बढ़ोतरी के चलते यातायात का खर्च भी बढ़ा है। इसके अलावा त्योहारों के समय तेल की मांग बढ़ने से दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में व्यापारी मान रहे हैं कि दिवाली तक खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।